सलमान खान ने कब कब कटरीना कैफ और जैकलीन को छोड़कर दूसरी हीरोइन पर दांव लगाया। सलमान खान ने किस किस बाहरी एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में आजमाया। इस वीडियो में आपको सलमान की फिल्मों से जुड़ा ऐसा ट्रिविया बताएंगे जो बेहद मजेदार है। सलमान खान ने अपनी फिल्म अंतिम में ऐसी हीरोइन को लिया जिसका नाम बॉलीवुड में किसी ने नहीं सुना था। इस हीरोइन का नाम है प्रज्ञा जायसवाल। प्रज्ञा अंतिम फिल्म में सलमान खान की लेडी लव बनी। कहने के लिए प्रज्ञा साउथ की फिल्मों का बड़ा चेहरा है, कई प्राइज जीत चुकी हैं, लेकिन सलमान ने प्रज्ञा जायसवाल को अपने अपोजिट कास्ट करके सबको हैरान कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपना जलवा दिखाने वाली प्रज्ञा सलमान खान की फैन रही हैं और वो मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली हैं। हालांकि सलमान ने उन्हें बॉलीवुड डेब्यू करा के एक नई बहस को जन्म दे दिया। सलमान खान ने ट्यूबलाइट फिल्म में जिस हीरोइन को लिया उसे हिंदुस्तान में किसी ने जाना भी नहीं था। सलमान ने चीन की सिंगर को अपनी फिल्म में मौका देकर हर किसी को सरप्राइज कर दिया। बताया जा रहा है कि सलमान खान कम हाइट की हीरोइन को लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने झूझू का नाम फाइनल किया। दिलचस्प बात यह है कि झूझू चीन की सेना में जनरल रह चुके युवक की पोती थी। कई चाइनीज फिल्मों में उन्होंने अपना जलवा दिखाया और इसी दौरान सलमान की फिल्म को चीन में प्रमोट किया गया तो वहीं से इत्तेफाकन वो उनकी नजरों में अटक गईं। सलमान ने जब ट्यूबलाइट मूवी बनाई तो सरहद पार हीरोइन को बॉलीवुड में एंट्री दिला दी। कहते हैं ऐसा सिर्फ सलमान ही कर सकते हैं, किसी और दूसरे एक्टर में हिम्मत नहीं। ये अलग बात है कि सलमान का ये दांव बेकार चला गया। सलमान खान के साथ लकी फिल्म में नजर आई स्नेहा उल्लाल को कौन भूल सकता है। स्नेहा उल्लाल इससे पहले किसी भी हिंदी फिल्म में नहीं दिखी थी। सलमान ने उन्हें सीधे साउथ की फिल्मों में देखा। कॉमन फ्रेंड के जरिए जान पहचान हुई और दे दिया बॉलीवुड गिफ्ट। स्नेहा उल्लाल को सलमान ने ऐश्वर्या की कॉपी होने के चलते लिया, लेकिन साउथ का चेहरा होने के बाद भी सलमान ने उन पर भरोसा जताया। वैसे स्नेहा बॉलीवुड से ज्यादा साउथ की फिल्मों में हिट रही। सलमान खान ने पूजा हेगड़े को अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की हीरोइन बनाया। पूजा हेगड़े वैसे तो मोहनजोदाड़ो और हाउसफुल 4 का भी हिस्सा रही, लेकिन सलमान ने साउथ की इस हीरोइन को भी अपनी फिल्म का पार्ट बना लिया। सलमान ने ऐसे स्टोरी में फ्रेशनेस लाने के लिए किया। खास बात यह है कि कभी ईद कभी दिवाली फिल्म के लिए पूजा हेगड़े की फीस कई गुना बढ़ाई गई। सलमान वैसे तो ज्यादातर बॉलीवुड फेम हीरोइन को ही अपनी फिल्म में लेते हैं, लेकिन 1991 में सलमान खान के साथ देखी रेवती भी इस मामले में एक उदाहरण है। सलमान ने साल 1991 में रिलीज हुई लव फिल्म में रेवती के साथ रोमांस किया। रेवती इससे पहले तमिल और मलयाली फिल्मों में काम कर चुकी थी। दोस्तों, सलमान खान की इन हीरोइन को आप प्रयोग मानते हैं या फिर इसके पीछे की वजह नई हीरोइन को ट्राई करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।